दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टिप टॉप न्यूज हिंदी पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाद में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एक बार फिर से आज मैं बात करने वाला हूँ नई गवर्नमेंट जॉब्स की जो निकली है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। एग्जामिनर पोस्ट है इसमें। सैलरी इसमें 56,100 से 1,77,500 रुपये मिल जाएगी। एज लिमिट 21 से 35 ईयर्स के बीच में है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखने पर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या एग्जाम डेट है, क्या एग्जाम पैटर्न है। पूरी जानकारी हिंदी में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पेटेंट कार्यालय पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क मुंबई के नियंत्रक जनरल के अधीक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करता है। CGPDTM का कार्यालय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक उप ऑर्डिनेट कार्यालय है। इसमें भर्ती निकली है, आइए इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, CGPDTM रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी देख लेते हैं। 220 इसमें एग्जामिनर की पोस्ट निकली है। सबसे पहले वैकेंसीज की जानकारी सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए 6 पोस्ट है, इसमें केमिस्ट्री के लिए 45 है, पोलीमर साइंस के लिए 4 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 है, कंप्यूटर साइंस या IT के लिए 55 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 70 है, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए 6 है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। सैलरी इसमें 56,100 से 1,77,500 तक दी जाएगी। एज की बात करें तो 21 से 35 ईयर्स के बीच में एज रखी गई है। एप्लीकेशन फीस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 200 रुपये है। SC ST PH या वोमेन कैंडिडेट्स को फीस जमा नहीं करनी है। क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होनी चाहिए, पॉलीमर साइंस की बात करें तो इसमें भी मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस या IT के लिए मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में या IT में। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में देख लेते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें भी इंजीनियरिंग की। सिलेक्शन की बात करें तो प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। प्री एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग एग्जाम होगा ये ओनली। मेन एग्जाम पेपर फर्स्ट स्कोरिंग एग्जामिनेशन है ये। मेन एग्जाम पेपर सेकंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ये। स्कीम देख लेते हैं। प्री एग्जाम के लिए 150 मार्क्स है, 2 घंटे का इसमें टाइम है। मेन एग्जाम पेपर फर्स्ट के लिए 300 मार्क्स है, 3 घंटे का टाइम है। मेन एग्जाम पेपर सेकंड के लिए 100 मार्क्स है, 1 घंटे का टाइम है। एग्जाम सेंटर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना है। और मेन एग्जामिनेशन के लिए आप देख सकते हैं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इसमें मेन एग्जाम होगा। डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6/8/2018 थी और लास्ट डेट अप्लाई करने की 4/9/2018 है। एडमिट कार्ड प्री एग्जाम के लिए डाउनलोड करने की टेंटेटिव डेट 15/9/2018 है। प्री एग्जाम के लिए टेंटेटिव डेट 30/9/2018 है और डाउनलोड एडमिट कार्ड करने के लिए मेन एग्जाम की टेंटेटिव डेट 30/10/2018 है। डेट ऑफ मेन एग्जाम की टेंटेटिव 18/11/2018 है। मेरिट लिस्ट की टेंटेटिव डेट 22/1/2019 है। अप्लाइंग का तरीका देख सकते हैं आप यहाँ पर CGPDTM recruitment.in वेबसाइट से आप इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर विजिट कर सकते हैं। इस पेज पर विजिट करने के बाद यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन मिलेगा। जैसे ही आप ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आपको इससे पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले वैकेंसीज दी हुई है सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट्स वगैरह भी यहाँ पर आपको दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, पूरा टाइम टेबल आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टेप वाइज दिया हुआ है कि कैसे इस पर अप्लाई करना है। पूरी जानकारी आपको सबसे पहले रीड करनी है और बाद में अप्लाई करना है। दोस्तों, अगर आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन की टैब यहाँ पर दी हुई है। लॉगिन टैब पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है।
अगर आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर नो की टैब पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर नो की टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी, और यहाँ पर जो डिटेल्स मांगी गई है आपको इसमें फिल करना है और बाद में आप पर सबमिट एंड कंटिन्यू करना है इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद। ऐसे आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।